स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं आज कैसा रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सके। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जान लेते हैं क्या रहेगा आज मौसम का हाल। आपको बता दें, उत्तर पूर्व भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, लद्दाख, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोकण और गोवा के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। स्काईमेट वेदर के पूर्वानुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में भी कई दिनों भारी बारिश का कहर देख सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि भारी बारिश का ये दौर अभी 3 दिनों तक बना रहेगा और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए राज्य के कई इलाकों के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कल प्रदेश में सबसे ज्यादा 62 मिलीमीटर बारिश मुरादाबाद में दर्ज। मौसम को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और नोएडा में 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज झमाझम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के 10 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि 20 जिलों में भारी बारिश से लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। प्रदेश के 20 अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली में आज भी जमकर बरसेंगे बादल। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। दिल्ली में बारिश का 41 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। 41 साल बाद जुलाई महीने के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी राजधानी में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। भारी बारिश के बाद यमुना के जलस्तर में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हरियाणा की ओर से हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो गया है। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और झारखंड में भी मुसीबत बनेगी बारिश। पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश के जताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहें मौसम की ताजा जानकारी से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।